दोस्तों मेरा नाम है रवि सिंह। आइए शुरू करते हैं आज का ये एपिसोड। ये कहानी है आज से कई हजारों साल बाद की, जब मशीनों और इंसानों की जंग में पूरी पृथ्वी नष्ट हो गई। फिल्म की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक वैज्ञानिक एक खिलौने को बना रहा है। उसके पीछे नंबर 9 लिखा होता है, यानी वैज्ञानिक ने इससे पहले 8 ऐसे खिलौने और बनाए हैं। वैज्ञानिक इनके साथ एक डिस्क भी बनाता है। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि नंबर 9 एक रस्सी की सहायता से लटक रहा होता है। अचानक रस्सी टूट जाती है और नंबर 9 नीचे गिर जाता है। वो खड़ा होता है और पास में पड़ी डिस्क को उठाकर अपने अंदर रख लेता है। वो नीचे देखता है तो वहाँ पर उसी वैज्ञानिक की लाश दिखती है जिसने इसे बनाया है। इसके बाद वो खिड़की से बाहर देखता है। वो देखता है कि पूरी दुनिया नष्ट हो चुकी है, अब इस धरती पर कोई जीवन नहीं बचा है। तभी उसे कोई चलता हुआ दिखता है। वो उसे आवाज देता है लेकिन इसकी आवाज नहीं निकलती क्योंकि इसकी आवाज का सिस्टम खराब होता है। नंबर 9 नीचे जाता है और उससे डरता है। ये नंबर 2 होता है। नंबर 2 बोलता है, डरो नहीं, मैं तुम्हारे ही जैसा हूँ। इसके बाद नंबर 9 उसे डिस्क दिखाता है। नंबर 2 बोलता है, आखिर तुमने इसे ढूंढ लिया, मेरा दोस्त हमेशा इसके चित्र बनाया करता था। लेकिन नंबर 9 के मुंह से आवाज नहीं निकलती। तब नंबर 2 उसके सिस्टम को ठीक कर देता है और वो बोलने लगता है। तभी वहाँ पर एक मशीन आ जाती है। नंबर 2 नंबर 9 को छिपने को बोलता है। नंबर 9 छिप जाता है लेकिन मशीन नंबर 9 को ढूंढने लगती है। तभी नंबर 2 नंबर 9 को बचाने के लिए मशीन को अपने पास बुलाता है और वो मशीन नंबर 2 और डिस्क को लेकर वहाँ से चली जाती है। नंबर 9 भी बेहोश हो जाता है। जब उसे होश आता है तो वो अपने आप को एक चर्च में पाता है जहाँ पर उसी के जैसा खिलौना उसे ठीक कर रहा था। ये नंबर 5 होता है। तभी वहाँ पर नंबर 1 आता है। ये यहाँ का लीडर होता है। नंबर 1 नंबर 5 पर गुस्सा करता है क्योंकि वो नंबर 9 को लेने बाहर गया था। दरअसल यहाँ का एक नियम होता है कि यहाँ से कोई बाहर नहीं जा सकता। नंबर 9 उसे बोलता है कि हम बाहर क्यों नहीं जा सकते। वो बोलता है, आज से कई साल पहले मशीनों और इंसानों की जंग हुई थी। इस जंग में सब कुछ नष्ट हो गया था, केवल एक मशीन बची थी, उसका नाम कैदबीस्ट है। उसकी वजह से हमने अपने कई साथियों को खो दिया। उसके जाने के बाद नंबर 9 नंबर 5 से बोलता है, हमें नंबर 2 को बचाने जाना चाहिए, एक बार तुम्हें भी तो उसने बचाया था। इसके बाद दोनों चुपके से उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर कैदबीस्ट है। वहाँ पर एक गुफा होती है। ये दोनों गुफा से अंदर जाते हैं। वहाँ पर नंबर 2 एक पिंजरे में कैद होता है। ये दोनों नंबर 2 के पास जाते हैं। तभी मशीन इन्हें देख लेती है। वो मशीन इन्हें मारने वाली होती है। तभी नंबर 7 आ जाती है और वो इस मशीन का सिर अलग कर देती है। दरअसल इन सबको लगता था कि नंबर 7 मर चुकी है लेकिन वो लड़ना चाहती थी, इसलिए वो उस चर्च को छोड़कर आ गई थी। नंबर 9 को यहाँ पर वो डिस्क मिल जाती है। वहाँ पास में ही एक स्विच होता है। नंबर 9 डिस्क को उसमें लगाने लगता है। नंबर 2 उसे ऐसा करने से मना करता है लेकिन तब तक डिस्क उसमें लग चुकी थी। तभी वहाँ पर कैदबीस्ट एक्टिवेट हो जाता है और वो नंबर 2 को उठा लेता है और उसकी आत्मा को अपने अंदर कैद कर लेता है। सभी लोग बड़ी मुश्किल से यहाँ से भाग पाते हैं। इसके बाद मशीन एक उड़ने वाली मशीन बनाने लगती है ताकि वो इन भागे हुए खिलौनों को पकड़ सके। इधर नंबर 7 उन दोनों को लेकर दो जुड़वा नंबर 3 और नंबर 4 के पास लेकर आती है। ये दोनों बताते हैं कि इंसानों ने जंग के लिए मशीनों का निर्माण किया था लेकिन मशीनों ने इंसानों से ही जंग छेड़ दी। इसके बाद एक बहुत बड़ा युद्ध हुआ और इस युद्ध में सब कुछ नष्ट हो गया। नंबर 9 उन्हें डिस्क का चित्र दिखाता है और बोलता है, ऐसा लगता है कि ये डिस्क उस मशीन के लिए ही बनी थी। जुड़वा बोलते हैं, ऐसे ही चित्र नंबर 6 बनाया करता था, वो चित्र नंबर 1 के पास हैं। इसके बाद सभी लोग उन चित्रों को देखने के लिए नंबर 1 के पास जाते हैं लेकिन नंबर 1 उन पर गुस्सा करता है क्योंकि वे लोग यहाँ से बाहर गए थे। तभी नंबर 6 उसे चित्र दिखाता है और बोलता है, हमें वहाँ पर जाना चाहिए जहाँ पर हम सबको बनाया गया था। तभी वहाँ पर वो उड़ने वाला पक्षी आ जाता है जो उस मशीन ने बनाया था। सभी लोग उससे लड़ने लगते हैं और उसे मार देते हैं लेकिन इस लड़ाई में उनकी वजह से उनकी जगह नष्ट हो जाती है। इसके बाद सभी लोग उन जुड़वा के पास चले जाते हैं। रात को वो मशीन यहाँ पर एक क्रिएचर भेजती है जिसके ऊपर नंबर 2 की बॉडी लगी थी। दरअसल वो क्रिएचर नंबर 2 की बॉडी को अपने बस में कर लेता है और उसकी आंखों से एक रोशनी निकलती है। इस रोशनी को जो कोई भी देखेगा वो इस मशीन के बस में हो जाएगा। वो क्रिएचर नंबर 8 नंबर 1 और नंबर 7 को अपने बस में कर लेता है और वहाँ से जाने लगता है। नंबर 9 नंबर 1 को बचाने में कामयाब हो जाता है लेकिन वो क्रिएचर नंबर 8 और नंबर 7 को लेकर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद सभी लोग उस मशीन के पास पहुँच जाते हैं। वहाँ पास में वही गुफा होती है। नंबर 9 बोलता है, मैं उन दोनों को बचाने के लिए अंदर जा रहा हूँ, अगर मैं कुछ देर में ना आऊँ तो तुम ड्रम में आग लगाकर इस गुफा में फेंक देना ताकि वहाँ पर ब्लास्ट हो सके और उस मशीन का खात्मा हो सके। नंबर 9 अकेला अंदर चला जाता है। वहाँ पर वो देखता है कि वो मशीन नंबर 8 की आत्मा को अपने अंदर खींच रही है। इसके बाद वो मशीन नंबर 7 की आत्मा को अपने अंदर खींचने वाली होती है।
तभी नंबर 9 उसे बचा लेता है और उस क्रिएचर को दो पहियों के बीच में पीस देता है। तब मशीन उनके पीछे छोटी छोटी मशीन छोड़ देती है। ये दोनों यहाँ से भागने लगते हैं। बाहर से ये लोग उस ड्रम में आग लगाकर अंदर फेंक देती है। तब तक नंबर 9 और नंबर 7 बाहर आ जाते हैं और उस गुफा के अंदर ब्लास्ट हो जाता है, जिससे वहाँ पर सब कुछ नष्ट हो जाता है। बाहर ये सभी लोग बहुत खुश होते हैं। ये सभी लोग अपनी जीत का जश्न मना रहे होते हैं, तभी वहाँ पर वो बड़ी मशीन आ जाती है। दरअसल ये मशीन उस ब्लास्ट में बच गई थी। वो नंबर 5 को उठाकर उसकी आत्मा को अपने अंदर खींच लेती है। सभी लोग भागकर पुल के इस तरफ आ जाते हैं। वो मशीन भी पुल की मदद से इस तरफ आती है, लेकिन तभी पुल टूट जाता है और मशीन नंबर 6 को पकड़ लेती है। वो मशीन और नंबर 6 नीचे फंस जाते हैं। तब नंबर 6 बोलता है, अब तुम लोग उस जगह पर जाओ जहाँ पर हम सबको बनाया गया है, वहीं पर तुम्हें सारे सवालों के जवाब मिलेंगे। इसके बाद मशीन नंबर 6 की आत्मा को भी अपने अंदर खींच लेती है। सभी लोग इस मशीन को नष्ट करने का बोलते हैं, लेकिन नंबर 9 उन्हें रोक लेता है और बोलता है, इस मशीन के अंदर हमारे साथियों की आत्मा कैद है, शायद हम इन्हें दोबारा से जिंदा कर सकते हैं। इसके बाद नंबर 9 अकेला वहाँ पर जाता है जहाँ पर उसे बनाया गया था। वहाँ उसे एक बॉक्स मिलता है। नंबर 9 उस बॉक्स को खोलता है। उसमें एक वैज्ञानिक की वीडियो रिकॉर्डिंग होती है। वैज्ञानिक बोलता है, मशीनों और इंसानों की जंग के बाद मैंने तुम सबको बनाया ताकि तुम इस दुनिया की रक्षा कर सको। तुम सभी के अंदर मेरी आत्मा का अंश है। नंबर 9 को सभी सवालों के जवाब मिल जाते हैं। इसके बाद वो अपने साथियों के पास जाता है जहाँ पर वो मशीन को नष्ट करना चाहते थे। नंबर 9 उस मशीन के सामने पहुँच जाता है। वो मशीन उसे मारने वाली होती है, तभी नंबर 1 उसमें धक्का दे देता है और खुद मशीन के सामने आ जाता है। मशीन नंबर 1 की आत्मा को अपने अंदर कैद कर लेती है। नंबर 9 जल्दी से उस मशीन के अंदर से डिस्क निकाल लेता है और उस डिस्क को ऑन करके मशीन की तरफ कर देता है, जिससे मशीन के अंदर से सभी आत्मा डिस्क के अंदर आ जाती है और मशीन भी पूरी तरह से नष्ट हो जाती है। मशीन के खत्म होने के बाद नंबर 9 उस डिस्क को ऑन करता है, जिसके अंदर से सभी की आत्मा बाहर निकल कर आती है। सभी आत्मा मुस्कुरा रही होती हैं। इसके बाद सभी आत्मा आपस में मिलकर ऊपर चली जाती हैं। ऊपर बादलों में ब्लास्ट हो जाता है और बारिश शुरू हो जाती है। इन बूंदों के साथ जीवन भी होता है, यानी धरती पर दोबारा से जीवन उत्पन्न होगा जो कई साल पहले नष्ट हो गया था। इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।